हीथरो एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक विमान की हवा में वापसी करा ली गई। इसके पीछे की वजह रहा वर्जिन अटलांटिक नाम की एयरलाइंस का ट्रेनी को पायलट। बीच रास्ते से लौटे इस विमान को लंदन से न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन बताया गया कि को पायलट के ट्रेनी होने के कारण वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस के उस विमान की 40 मिनट बाद वापसी करा ली गई। इसका पता भी तब चल पाया जब उस को पायलट ने उस प्लेन के कप्तान को यह बताया कि उसने 2017 में इस एयरलाइंस को ज्वाइन किया था और उसका आखिरी टेस्ट बाकी है। जैसे ही इस बात का पता उस विमान के कप्तान को चला, उसने एयरपोर्ट प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि रोस्टर बनाने में गलती हुई थी, जिसके बाद उस प्लेन को तुरंत एयरपोर्ट लौटने का आदेश दे दिया गया, क्योंकि विमान में को पायलट का अहम किरदार होता है। वो ही विमान की सुरक्षा बनाए रखने का काम करते हैं, वो विमान को उड़ाने में कप्तान की मदद करते हैं, साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार बातचीत भी को पायलट करते हैं। हालांकि लौटने का आदेश जब दिया गया तब तक वो विमान आयरलैंड पहुंच चुका था, यानी हवा के रास्ते लंदन से करीब 40 मिनट दूर। वहां से उसने हीथरो एयरपोर्ट की तरफ वापसी की। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद विमान को अनुभवी को पायलट के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना किया गया। इसके लिए वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस के प्रबंधन ने यात्रियों से माफी मांगी, क्योंकि एक गलती की वजह से उसमें सवार लोग करीब 3 घंटे देरी से अपनी मंजिल पर पहुंचे।